अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन के कारण अब तक 200 से अधिक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। रेलवे ने कहा है कि बुधवार को प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 35 ट्रेन रद्द कर दी गई, जबकि 13 का डेस्टिनेशन से पहले ही समापन कर दिया गया। प्रदर्शन का सबसे अधिक प्रभाव पूर्व मध्य रेलवे पर पड़ा है, जिसके तहत बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई हिस्से आते हैं। जी हां, आपको बता दें, नरेंद्र मोदी सरकार की नई अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में बवाल जारी है। कई राज्यों में ट्रेनों में भी आग लगा दी गई और नारेबाजी भी हुई। इस बीच दिल्ली में अग्निपथ योजना के खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के प्रदर्शन के मद्देनजर ITO और धासा मेट्रो स्टेशन के सारे दरवाजों को शुक्रवार को बंद कर दिया गया। ISA सदस्यों ने पुलिस के रवैये के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। DMRC ने ट्वीट करके कहा कि ITO और धासा मेट्रो स्टेशन के सभी दरवाजे बंद हैं। DMRC ने कहा कि दिल्ली गेट और जामा मस्जिद सहित कुछ अन्य मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट भी कुछ समय के लिए बंद किए गए हैं। हालांकि बाद में सभी स्टेशनों के दरवाजे खोल दिए गए। प्रदर्शनकारी हाथ में तख्ती लिए नजर आए, जिस पर सशस्त्र बलों में खाली सभी पदों पर तत्काल स्थायी आधार पर भर्ती हो गई, अग्निपथ योजना वापस ले और मोदी सरकार जाग जाओ लिखा था। इसके अलावा ITO पर नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने अग्निपथ वापस लो, ताराशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। छात्र समूह ने दावा किया कि उसके कई सदस्यों को विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया है। हालांकि पुलिस ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन के कारण अब तक 200 से अधिक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। रेलवे ने कहा है कि बुधवार को प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 35 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 13 का डेस्टिनेशन से पहले ही समापन कर दिया गया। प्रदर्शन का सबसे अधिक प्रभाव पूर्व मध्य रेलवे पर पड़ा है, जिसके तहत बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई हिस्से आते हैं। इन राज्यों में व्यापक स्तर पर प्रदर्शन देखा गया है। ऐसे में पूर्व मध्य रेलवे ने प्रदर्शन के कारण 8 ट्रेनों के परिचालन की निगरानी करने का फैसला भी किया है। अधिकारियों ने बताया है कि वे इन ट्रेनों की आवाजाही पर नजर रख रहे हैं और स्थिति के हिसाब से उनके ऑपरेशन के संबंध में निर्णय लेंगे। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व मध्य रेलवे की 3 ट्रेनों और 1 खाली ट्रेन को नुकसान पहुँचाया। उत्तर प्रदेश के बलिया में धुलाई लाइन पर खड़ी एक ट्रेन के एक डिब्बे को भी क्षतिग्रस्त की गई है। बलिया में प्रदर्शनकारियों ने युवाओं ने नारे लगाते हुए एक खाली ट्रेन में आग लगा दी और कुछ अन्य ट्रेनों में तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस को उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और ट्रेन में आग लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।